Terima kasih telah menonton! बखैर तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे को सुबह ग्यारह बजे से फ्राइडे को सुबह उठ के पूरे घर की सफाई करके फ्रेशन अप होकर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी और आज हमारे किचन में बन रहे हैं फ्राइड राइस आज मैं आपके साथ फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल क्विक एंड इजी रेसिपी है और जब यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी उनको बता रही थी कि जे डॉट पर समर क्लियरेंस सेल लग गई है तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे क्या इरादे हैं तो मैंने उनसे कहा कि मेरे बहुत ही इरादे ख़तरनाक हैं लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरा लकी वन मॉल जाने का बिल्कुल भी अब दिल नहीं करता क्योंकि लकीवन मॉल में लोग शॉपिंग करने कम और इन्जॉयमेंट के लिए ज़्यादा आते हैं और उसकी वजह से इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता हालांकि हम लोग तो मैं तो इन शॉपिंग करने ही जाती हूँ इंजॉयमेंट तो कम ही करती हूँ लेकिन बस दूसरे लोगों की वजह से ना मुझे मेरा अब दिल नहीं करता है लकी वन मॉल जाने को खैर वैसे तो मेरा कपड़े ख़रीदने का भी बिल्कुल भी मूड नहीं है क्योंकि चौबीस मेरे पास स्टिच हुए हुए ड्रेसिज़ हैं जिनमें से आठ दस मैंने सिर्फ दो तीन दफ़ा पहने हैं और कितने सारे तो मैंने एक एक दफ़ा भी नहीं पहने नए के नए हैं और बाकी दो मेरे पास अनस्टिच के सेलीटेक्स के सूट रखे हुए हैं समर कलेक्शन के वो मैंने ईद के लिए उठा के रखे हुए हैं तो बाहर तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कपड़ों की लेकिन फिर भी मैं देख लूँगी अगर मेरा मूड हुआ तो फाइव स्टार चुरंगी पर जो ब्रांडेड शॉप्स हैं मैं यहाँ चली जाऊँगी लेकिन मैं लकी वन मॉल नहीं जाऊँगी क्योंकि पता नहीं क्यों अब मेरा लकी वन मॉल जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता जी फ्राइड राइस की रेसिपी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मैंने पतीली में पानी चढ़ाकर उसमें रख दी थी उसमें डाल दी थी चिकन और उसमें ऐड किया था नमक और पीसी काली मिर्च और यहाँ मैं आधे घंटे के लिए चिकन को पकाऊंगी चिकन गल जाएगी और इसकी यखनी को मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि इसी यखनी में मैं चावल बॉयल करूँगी और जो यहाँ पर मैंने सामान मंगवाया था सब्ज़ी मंगवाई थी फ्राइड राइस के लिए और जो भी किचन का सामान ख़त्म हो रहा था वो मंगवाया था और क्योंकि अब पेप्सी और कोक का बायकाट चल रहा है तो इसलिए मैं अब फिज़प नेक्स्ट पर आ गई हूँ बहुत ही मज़े की है मज़े की पसंद आ गई है तो यह है कि मैं एवरी फ्राइडे तो ज़रूर ज़रूर मंगवाती हूँ क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैं चावल का आइटम बनाती हूँ राइस का कुछ ना कुछ बनाती हूँ तो इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक ज़रूर मंगवाती हूँ तो इसलिए अब जो है वो मैं फिज़प ही मंगवाने लगी हूँ तो जी यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को पील ऑफ करके वॉश करके कटिंग कर लूँगी और ये जो मेरा वाइट वाला कटिंग बोर्ड है इसको मुझे चेंज करना है क्योंकि एक तो ये साइज़ में बहुत ही बड़ा है मुझे वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और दूसरा जो मैं अब न्यू नाइफ्स लेकर आई हूँ वो इतनी ज़्यादा शार्प हैं कि इस वाइट बोर्ड पर कटिंग करने से जो है इसका जो वाइट मटेरियल है वो सारा उतरता जा रहा है तो इसलिए मुझे कटिंग बोर्ड अपना जो है वो चेंज करना है इसलिए इन मैं वुड का कटिंग बोर्ड लेकर कर आऊँगी और घर के सामान की फिर दोबारा लिस्ट रेडी हो गई है जिसमें सरफहरिस्त थे तीन बेड शीट्स मुझे तीन बेड शीट्स लेनी है क्योंकि मैंने एक साथ तीन बेड शीट्स रिटायर कर दी और कारपेट वाले रूम के लिए मुझे कारपेट के लिए एक और चादर बनानी है तकैनीों के कवर के साथ वो भी लेना है कटिंग बोर्ड लेना है और बड़े वाले जो कुकिंग के इस्पूस थे वो ज़्यादा हो गए और जो छोटे वाले कुकिंग के स्पून हैं जो मेरा मेरे रोज़ाना डेली रूटीन में यूज़ होते हैं वो गिनती के तीन हैं तो मुझे वो छोटे इस्पूस भी लेने हैं अब देखें वुड के लेती हूँ कि स्टील के लेती हूँ और मैं अपने रूम के लिए फ़्लावर वास के लिए फ़्लावर लेकर आई थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी तो जब मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर जाती हूँ ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है मेरा दिमाग एकदम माउफ हो जाता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी कि मैं बाद में ले लूँगी लेकिन मेरे हस्बैंड बजिट थे तो इसलिए मुझे उनके साथ लेना पड़ा अब वो मैं पूरे रेड कलर के फ़्लावर्स लेकर आ गई हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे मेरा दिल चाह रहा है मैं उनके साथ किसी कोई लाइट कलर के भी फ्लावर जो है उनके साथ मैच करूँ तो फिर देखें मैं अब इन वो फ़्लावर लेकर जाऊंगी जाऊँगी हारून शॉपिंग सेंटर जाऊँगी वहाँ पे बहुत अच्छी फ्लावर्स की शॉप है वहाँ मैं जो है ना मैच करके और दूसरे भी फ्लावर्स लेकर आऊँगी फिर मैं अपने रूम के ना फ्लावर वास के फ़्लावर्स चेंज करूँगी और एयर फ्रेशनर भी ख़त्म हो रहे हैं मैंने चेज़ वैल्यू से लिए थे बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस थी एक आखिरी वाला एयर फ्रेशनर मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था वो अब जाकर मैंने निकाला है तो इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए तो वो भी मुझे ख़रीदने हैं तो ये कुछ घर के सामान की लिस्ट फिर से रेडी हो गई है और जी आज मैंने अपने आप को भी थोड़ी थोड़ा टाइम दिया है क्योंकि बहुत महीने हो गए हैं मैंने अपनी स्किन केयर नहीं की आज मैंने अपनी हेयर केयर भी करी है और स्किन केयर भी करी है क्योंकि सैटरडे को मैं जा रही हूँ बाजी के यहाँ और उषा अलीशा आ रही हैं और जी ये मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मैं तीन नाइफ्स लेकर आई थी संडे बाज़ार से तीनों इतनी शार्प हैं इतनी शार्प हैं कि ज़रा सा कट लगता है और बस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मुझे बहुत एहतियात से इनको यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि अभी मुझे इनकी आदत नहीं हुई है तो इनशाला वेरी सुन इनकी आदत मुझे हो जाएगी तो फिर ये मेरे हाथ में सेट हो जाएंगी बहुत शार्प हैं ये तीनों नाइफ्स बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से मिल गई हैं मुझे तीनों नाइफ्स क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने नाइफ्स जो है ना वो नी ली नहीं थी एक ही नाइफ़ से जो है वो मैं काम करती थी तो जो सैटरडे को इनशा अलीशा आ रही अलीशा तो फ्राइडे की रात से आ जाएगी और उर्सा और मैं जो है वो सैटरडे को जा रहे हैं बाजी के यहाँ अलीशा की और मेरी बात हुई थी तो उसने कहा था कि तुम भी आ जाओ उर्ूसा भी आ रही है तो इसलिए मैं इसलिए भी मैंने अपनी थोड़ी स्किन केयर करी क्योंकि छः महीने हो गए छः महीने से मैंने अपने आप आप पर, पर कोई तवज्जो ही नहीं दी कुछ भी नहीं किया था मैंने ना कोई फेशियल ना कोई स्किन पॉलिश कुछ भी नहीं किया था तो इसलिए जो है मैंने अपनी आज फ्राइडे वाले दिन थोड़ी स्किन केयर भी करी है और बहुत ज़्यादा मैं थकन थकन भी फील कर रही हूँ मतलब काम के साथ 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 मैंने फ्रेशन अप होने से पहले पहले अपनी सारी स्किन ट्रीटमेंट भी कर ली थी हेयर ट्रीटमेंट स्किन ट्रीटमेंट दोनों कर ली थी मैंने और जो यहाँ पर मैं फ्राइड राइस के लिए जो है एग मैंने फ्राई करे हैं यहाँ पर मैंने फ़ोर एग्स ले लिए थे और उनमें मैंने सिर्फ औरेंज फूड कलर ऐड किया था और नमक ऐड किया था और अच्छी तरह से बीट करके मैंने सारे एग्स को एक साथ मैंने फ्राई कर लिया और यहाँ पर मैं स्पून की मदद से इनको ना तोड़ लूँगी छोटे 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 पीसेस कर लूँगी और अब यहाँ पर हम बारी है सब्जियों को प्रिपेयर करने की वेजिटेबल्स को सबसे पहले पतीली में ऑयल डालकर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स कलरफुल वेजिटेबल्स जब भी मैं फ्राइड राइस के लिए और स्प्रिंग रोल रोल के लिए कलरफुल वेजिटेबल्स की कटिंग करती हूँ मुझे इतनी अच्छी लगती हैं इतनी प्यारी लगती हैं ना ये कलरफुल वेजिटेबल्स बहुत खूबसूरत लगती हैं तो बस यहाँ पर कलरफुल वेजिटेबल्स को मैंने इसमें ऐड कर दिया था ऑयल में और सबसे पहले मैंने ऐड किया था इसमें नमक अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पीसी काली मिर्च बिल्कुल सिंपल होते हैं कोई स्पाइसी नहीं होते बच्चे तो इतने शौक़ से खाएंगे और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने में मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट डिश है फ्राइड राइस उनको ज़्यादा फ्राइड राइस पसंद है और मुझे ज़्यादा जो है वो सिंगापुरियन राइस पसंद है और जो यहाँ पर मैं सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बॉयल हुई हुई चिकन जो मैंने रेशे करके रख लिए थे तो यहाँ पर मैंने ये चिकन भी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ और अब चिकन ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसका फ़्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी और मैं इसको कवर कर दूँगी तो जी अब दो घंटे के बाद क्योंकि टाइम हो गया है मेरे हस्बैंड के आने का यखनी में मैंने चावल बॉयल कर लिए थे और अब यहाँ पर वेजिटेबल के ऊपर सबसे पहले मैंने ऐड किया है फ्राइड एग जो मैंने एग फ्राई किए थे और उनको मैंने पीसेस छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैंने यहाँ पे वो एड एग एग्स जो हैं बिछा दिए हैं और अब मैं इसके ऊपर ये बॉयल राइस ऐड करूँगी जो मैंने यखनी में बॉयल किए थे चिकन की यखनी को मैंने ज़ाया नहीं किया था उसी चिकन की यखनी में मैंने ये राइस जो है वो बॉयल कर लिए थे और बस जी यहाँ पर दस मिनट के लिए मैं इसको दम लगाऊँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर और बस फिर हमारे फ्राइड राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो जी यहाँ पर हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं इतने ज़बरदस्त लगते हैं मेरे हस्बैंड को चाट मसाले के रायते के साथ इनको पसंद है कि दही के अंदर चाट मसाला और नमक मिलाकर इस तरह से रायता रेडी करो जबकि मुझे सिर्फ़ चिली गार्लिक सॉस के साथ पसंद है तो जी ये है मेरे फ्राइड राइस का फाइनल लुक आप लोग देखिए माशा बोल दिएगा और देखकर बताइए कि कैसे लग रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं कभी ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही सिंपल क्विक एंड ईजी रेसिपी है तो बस यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा वीडियो को लाइक कर दिएगा शेयर कर दिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गुड बाय